सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यभार संभाल लिया है। तो बड़ी खबर, सिविल सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें नवाजा गया और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि अब दूसरा कार्यकाल उनका आगाज हो चुका है, नायब सिंह सैनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही जब वो सिविल सचिवालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बेहद खास रही हैं, क्योंकि आज चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक भी यहां पर होनी थी और उस बैठक से पहले कार्यभार संभालते हुए अब हरियाणा के नए नव निर्वाचित मुख्यमंत्री नजर आए, जहां उनका सिविल सचिवालय में पुष्प गुच्छ देकर उनको सम्मानित किया गया, उनका स्वागत किया गया, उनको मिठाई खिलाई और ढेरों शुभकामनाएं उनके नए कार्यकाल को लेकर दी गई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अगली बड़ी खबर भी चंडीगढ़ से ही, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है। बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक में सभी 13 मंत्री शामिल हैं, जहां बैठक में अहम प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे और उन पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कैबिनेट बैठक का आगाज हुआ और इसके बाद ये कैबिनेट बैठक सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हो रही है। हालांकि ये उनके दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक है, जो बेहद खास और कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कुछ अहम प्रस्ताव जो जनहित से जुड़े होंगे, हरियाणा वासियों से जुड़े होंगे, उन्हें पटल पर रखा जाएगा और उनको हरी झंडी दिखाते हुए, फाइनल मोहर लगाते हुए नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। वहीं कार्यभार संभालते ही सीएम नायब सिंह सैनी का एक बड़ा फैसला, जहां जनता को सीएम नायब सिंह सैनी की एक बड़ी सौगात दी गई। क्रोनिक किडनी रोगियों को अब फ्री डायलिसिस सेवा दी जाएगी, सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा दी जाएगी फ्री डायलिसिस सेवा की। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें क्रोनिक किडनी रोगियों को अब फ्री डायलिसिस सेवा दी जाएगी, एक बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को दी गई है, जहां सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा फ्री में दी जाएगी, जिसको लेकर एक बड़ी राहत मरीजों के प्रति भी, जहां पर कार्यभार संभालते ही एक बहुत बड़ा फैसला सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया है।